आपके भाई को जब लतिया के हमारे चाचा हमारे पास आ गए माफी मांग के कि अब कहीं नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। दूतू को एगो डिप्टी सीएम ने दूतू को डिप्टी सीएम, एगो लाउड माउथ है, एगो फाउल माउथ है, एगो अनाबे से ना बोलता है, एगो जोर जोर से बोलता है। एक तो यहीं से गए थे मोरठा वाले, यहीं से ना गए। अब देखिएगा चुनाव आएगा तो देश भर का नेता खाली बिहार घुसेगा, खूब आएगा, खूब जोर शोर से प्रचार करेगा, खूब झूठ बोलेगा। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी भी आएंगे, जाहिर सी बात है, उनका अधिकार बनता है, आना चाहिए, लेकिन हमारी भी तो जिम्मेवारी है, विपक्ष में है, सवाल पूछना है, हमारा अधिकार है प्रधानमंत्री से, आपका अधिकार है सवाल पूछना। लेकिन मोदी जी को कभी सुने हैं बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, कभी सुने हैं किसानों के बारे में बात करते हैं, कभी सुने हैं महंगाई के बारे में बात करते हैं, गरीबी के बारे में बात करते हैं, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में, विशेष पैकेज देने में, कभी सुने हैं कि गया में वो इंडस्ट्री लगाएंगे, निवेश लाएंगे, देश में सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनवाएंगे गया को, कभी सुने हैं ना? खाली हिंदू मुस्लिम सनातन, विपक्ष के नेताओं को गाली देना, हमको गाली देना, ये करना वो करना, और कोई बात नहीं करते जिससे जनता का भला नहीं होता है। आएंगे लोग बड़े बड़ी बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को याद है कि 10 साल से प्रधानमंत्री है, कितना बार वो बिहार आ चुके हैं बताइए? दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, क्या गरीबी मिटी है? यही मोदी जी बोलते थे किसानों का आय दुगुना करेंगे 22 में, क्या किसान भाइयों का आय दुगुना हुआ? यही मोदी जी बोलते थे जिसका झोपड़ी है उसको पक्का मकान बना करके देंगे 22 तक, हुआ? यही मोदी जी है जो बोलते थे 15-15 लाख रुपया खाते में देंगे, मिला? यही मोदी जी है जो कहते थे हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या मिला नौकरी? कौन सा ऐसा अच्छा अस्पताल बनवा दिया मोदी जी ने आपके लिए, आपके गांव के लिए? कौन सा ऐसा अच्छा स्कूल बनवा दिया? खाली यही बोलेंगे मोदी जी कि हमने 5 किलो राशन दिया। अरे मोदी जी को राशन अभी से मिला, तो कांग्रेस के जमाना से फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस का पॉलिसी था, उसी टाइम से मिल रहा है। पहले तो तेलों मिलता था, चीनियों मिलता था, कि राशन तेलों मिलता था। मोदी जी ये आपका दिया हुआ नहीं है, और कोई भी सरकार आएगी राशन तो देगी ही देगी, क्योंकि देश में भुखमरी है, गरीबी है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने गरीबी मिटा दिया, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। दोनों बात कैसे? जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा हो वहां गरीबी है, गरीबी मिटाई नहीं गई। लेकिन आपका भाई, आपका नौजवान साथी, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया नहीं किया वो तो हिसाब नहीं देंगे, एने उन्ने बतियाएंगे, लेकिन 17 महीने में इसी मैदान में हम आए थे बिहार विधानसभा के चुनाव में 20 में, सबसे पहले हम क्या बोले थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? आपके भाई को जब लतिया के हमारे चाचा हमारे पास आ गए माफी मांग के कि अब कहीं नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे,
हम लोग देश में देख रहे थे क्या माहौल था, हम लोग अपना लिए भाई चलो चाचा जी समाजवादी बढ़ो, हमारे घर के बढ़ो, आप चलाइए, भाजपा को रोकिए। भाजपा को रोकने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा लोगों को ठगती है, आपस में लड़वाती है, उनका विचारधारा ठीक नहीं है, नफरत वाले लोग हैं, इसलिए हमारा वैचारिक विरोध है। तो नीतीश जी आए और हमने कहा नीतीश जी को, नीतीश जी आ तो रहे लेकिन हमने जनता से कमिटमेंट किया है, अब हम सरकार में आएंगे तो जनता तो हमसे पूछेगी कि क्या किए, 10 लाख नौकरियां दिए कि नहीं दिए। उस समय नीतीश जी क्या बोलते थे 2020 में, अपने बाप के पास से पैसा ला करके बांटेगा वेतन, असंभव है असंभव। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने में आया तो उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से 5 लाख सरकारी नौकरी। मोदी जी बताओ, 17 साल से आप लोग डबल इंजन का सरकार था, भारत सरकार में 10 साल तक कितने नौकरी दे दिए थे, लेकिन जब 17 महीने तेजस्वी आया तो बहालियां निकलने लगा। बीपीएससी से परीक्षा हुआ 3 महीने में सब कुछ झटपट छट। कितना दिन से कितना हमारे नौजवान भाई के बियाह नहीं हो रहा था, बियाह हो गया, पता चला कि बियाह जिसका हो रहा, जिसका नौकरी लग गया उसी को उठा उठा के ले जा के, जिसको घर नहीं था। देखो जाति आधारित गन्ना हुआ तब पता चला ना कहाँ नौकरी है, कौन कचरा धोने वाला, कौन नाला साफ करने वाला, कौन भूमिहीन है, कौन ठेला चलाता है, कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन पलायन कर गया, तब ना पता चल गया, एक्सरे हुआ। तो जिसका घर नहीं था उसको जमीन के लिए 1 लाख रुपया हम लोग देने जा रहे थे, जिसका पक्का मकान नहीं था उसको पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया देने जा रहे थे, यानी सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग आर्थिक न्याय करने जा रहे थे। लेकिन चाचा जी पलट गए फिर लो। अब जब से भाजपा के फिर से सरकार बनल बा, आप ही लोग बताइए कौन सा ऐसा काम हुआ है, दूतू को एगो डिप्टी सीएम ने, दूतू को डिप्टी सीएम, एगो लाउड माउथ है, एगो फाउल माउथ है, एगो अनाब से नाप बोलता है, एगो जोर जोर से बोलता है। एक तो यहीं से गए थे मोरठा वाले, यहीं से ना गए, लालू जी मंत्री बना दिए थे। खैर छोड़िए ये सब हम बात नहीं करेंगे, आप लोग होशियार हो, मालिक हो, सब लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों से हम यही अपील करेंगे, भाई मांझी जी बुजुर्ग हो गए, अब उनसे गया नहीं संभलेगा, जो संभालने वाला है ये सरब जीते हैं, यही संभालेंगे, सुख दुख के भागीदार बनेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब, ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।